10.1.2 समतल दर्पण के घूमने का परावर्तित किरण पर प्रभाव। यदि हम समतल दर्पण को थीटा बराबर 35 अंश कोण से घुमा दें तो दर्पण पर बनने वाले अभिलंब की दिशा क्या होगी? परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी, इसे हम चित्र 4 द्वारा समझेंगे। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण AB पर अभिलंब से 52 अंश कोण पर आपतित होती है। अब आपतित किरण को स्थिर रखते हुए समतल दर्पण को आपतन बिंदु पर थीटा बराबर 35 अंश के कोण से घुमा दिया जाए तो आपतन बिंदु पर बना अभिलंब भी पूर्व स्थिति से थीटा बराबर 35 अंश कोण से घूम जाता है। इस समय दर्पण की नई स्थिति A'B' व अभिलंब की नई स्थिति ON' हो जाती है, जैसा कि हम देख सकते हैं। आपतन कोण नई स्थिति में पूर्व की तुलना में छोटा हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि नई स्थिति में परावर्तन कोण कितना होगा? यहाँ हम एक स्थिति पर विचार करते हैं। ये AB एक समतल दर्पण है, ON अभिलंब है, RO आपतित किरण है जो अभिलंब के साथ 52 अंश का कोण बना रही है, यानी कि आपतन कोण जो है, आपतन कोण कोण I बराबर 52 अंश। इसी प्रकार OS परावर्तित किरण है और चूंकि हम जानते हैं कि समतल दर्पण के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है तो हम देखेंगे कि परावर्तन कोण भी जो है वो है परावर्तन कोण कोण R बराबर 52 अंश। ये प्रथम स्थिति। अब यदि हम समतल दर्पण को 35 अंश से घुमा दें, ये एक नवीन स्थिति दिखाई देगी हमें। यहाँ पर ON जो है वो पूर्व स्थिति में अभिलंब है और ON' ये नवीन स्थिति में अभिलंब होगा। यदि RO जो है वो आपतित किरण की स्थिति पूर्ववत ही रहे तो हमारा अभिलंब जो है वो ON से 35 डिग्री घूमकर ON' पर पहुंच चुका है और आपतित किरण OR अपनी पूर्व स्थिति में है। इस नवीन स्थिति में यदि हम आपतन कोण का मान ज्ञात करना चाहें तो हम देखेंगे कि नवीन स्थिति में नए अभिलंब से नया अभिलंब यानी ON' से आपतन कोण बराबर होगा कोण I, यानी कि जो पूर्व स्थिति में जो अभिलंब है ON, यहां से OR इसके बीच में जो कोण था ये कितना था 52 अंश, यहाँ पर हम ये पूर्व स्थिति में देख सकते हैं। और अब अभिलंब जो है वो चूंकि यहाँ से 35 डिग्री घूम चुका है तो हमें इसको इस 52 अंश में से माइनस करना पड़ेगा। हम कोण I का मान रख दें यहाँ 52 और ये हो गया 35, तो नवीन स्थिति में हमें आपतन कोण मिल रहा है 17 अंश का। ये देखिए, ये नवीन अभिलंब है ON' और ये आपतित किरण RO है, इसके बीच में ये जो I हमें नवीन दिखाई दे रहा है I', इसका मान हो गया 17 अंश। अब चूंकि यह समतल दर्पण है और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये OS' जो है वो नवीन स्थिति में परावर्तित किरण है हमारी, तो इसका मान भी क्या होगा, परावर्तन कोण अभी हम नवीन स्थिति में बात कर रहे हैं तो इसके लिए ये भी कितना हो जाएगा, परावर्तन कोण कोण R' परावर्तन कोण R' बराबर हो जाएगा पुनः 17 अंश। अब इस प्रकार हमने देखा कि अभिलंब को जब हम 35 डिग्री घुमा देते हैं तो नवीन स्थिति में हमें आपतन कोण 17 अंश और परावर्तन कोण 17 अंश प्राप्त होता है। चलिए यदि अब हम यह ज्ञात करना चाहें कि पूर्व स्थिति में जो परावर्तित किरण हमारी OS है और नवीन स्थिति में जो परावर्तित किरण OS' है, इसकी स्थिति में कितना परिवर्तन आया है, इसे ज्ञात करने के लिए हम यह देखेंगे
कि कोण एस ओ एन तथा कोण एस डैश ओ एन डैश में कितना अंतर है। देखिए कोण एस ओ एन, कोण एस एस ओ एन और एस डैश ओ एन डैश, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो कोण है वो देख सकते हैं परावर्तन कोण 52 अंश था, अभिलंब जो है वो 35 डिग्री और आगे बढ़ गया, यानी कि 52 धन 35 ये हो गया 87 अंश। परंतु क्योंकि अभी हमने देखा कि परावर्तन कोण जो है वो 17 अंश का है, तो यहाँ तक पहुँचकर हमारे पास अभिलंब के साथ ये जो कोण है ये 17 अंश मिल रहा है, यानी कि ये जो अंतर होगा वो होगा 52 डिग्री 52 अंश धन 35 अंश ऋण 17 अंश, जो कि हमें प्राप्त होगा 70 अंश। तो पूर्व स्थिति में जो परावर्तित किरण है और नवीन स्थिति में परावर्तित किरण की स्थिति के बीच का जो परिवर्तन है वो है 70 अंश का। चलिए आगे देखते हैं, अर्थात हमारी परावर्तित किरण सत्तर अंश जो है वो कितना हुआ, उसका 2 × 35 लिख सकते हैं इसको हम। और 35 अंश क्या है, जितने अंश से हमने समतल दर्पण को घुमाया था। तो ये हमें परावर्तित किरण की जो स्थिति है वो प्राप्त हुई है 70 अंश घूमी हुई। तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब समतल दर्पण आपतन बिंदु पर थीटा कोण से घूमता है तब परावर्तित किरणें टू थीटा कोण से घूम जाती है। जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं, हमने देखा कि 35 डिग्री से जब आपतन बिंदु पर कोण से 35 डिग्री से घूमता है तो परावर्तित किरण 35 × 2 यानी कि 70 डिग्री से घूम गया, इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्रियाकलाप 2, सारणी की पूर्ति करें। क्रमांक, आपतन कोण, दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर, नई स्थिति में परावर्तन कोण।